नमस्कार, मैं हूँ पूनम दुबे और आप देख रहे हैं संगीत भोजपुरी। आज हमारी फिल्म हमार मिशन हमार बनारस का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पोस्टर है। ये हमारी फिल्म की को एक्टर हैं नमित तिवारी जी और साथ में मैं हूँ और यहाँ पे भी हम हैं। ये हमारे सेकंड लीड हीरो हैं सैम और साथ में नैन्सी सेठ सैम से। और बहुत प्यारी फिल्म बनी है और बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ ऐसा हार्ट टचिंग लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाएंगे। इसकी स्टोरी थोड़ी अलग है। बनारस के ऑलमोस्ट हमने सारे जगह पे शूट किया। शूटिंग के दौरान हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चाट पकौड़ी खाई और गाने को घाट पे गार्डन में अस्सी घाट रविंद्रपुरी गार्डन बहुत सारे जगह पे शूट किया और बहुत सारी चीज़ें बनारस में इंजॉय किया। और अब हम आपको मिलाते हैं हमारी फिल्म के विलन से, जिनको मैं बोलती हूँ सुपरस्टार विलन। तो संजय जी ये देखिए, विलन रियल में बहुत खूंखार होते हैं, गुंडे टाइप के। इनके लुक पे मत जाइए। नहीं, मेरा लुक भी खूंखार टाइप का नहीं है वैसे। देखो अपने मुंह में मिठू हो रहे हैं। तो क्यूट इनोसेंट टाइप का विलन है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है विलन करने के लिए। और क्या मतलब, दिखता है चेहरे पे दिखता है, पब्लिक जानती है, बोलते हैं आप कहां से विलन बन गए, हीरो बनना था आपको। नहीं, आप तारीफ कर रही, प्लीज कंटिन्यू। आप एक्चुअली ये हमारे इंडस्ट्री के बहुत क्यूट हैंडसम विलन है, रियल लाइफ में बहुत अच्छे हैं, फिल्म लाइन में ऐसे होते हैं, दाढ़ी खो जाता है, ऐसे देखते हैं कि लड़की खुद ही शर्मा जाए, भैया क्या कर रहे हो। मेरी मजबूरी है, पेशे की मजबूरी है, तो ऐसा नहीं करूंगा, तो लोग मुझे विलन में लेंगे नहीं कोई। हमारी फिल्म में भी जब सीमा जी का गाना हो रहा था बनारस समथिंग, उसमें है क्या था गाने का बोल, बनारस के पान, तो बनारस का बड़े गंदे की इनकी चल रही थी, इनकी नजरों से ना एकदम गंदे की दिख रही थी। गंदी निगाहें करनी पड़ती है उस वक्त, हम आइटम देख रहे होते हैं, हम भजन नहीं देख रहे होते हैं। हम जब भजन कीर्तन में बैठते हैं तो बड़ा भक्ति भाव होता है, हम जब आइटम, तो ऑडियंस भी उसलिए मेंटली तैयार होती है कि आइटम देख रहा है विलन। तो जब विलन आइटम देख रहा है और वो अगर उसकी निगाहें इस तरीके से नहीं होंगी तो फील ही नहीं आएगा। मतलब ये हम है इनको भी उसी निगाह से देखते हैं फिल्म में। मतलब ये है कि फाइटिंग के टाइम इनके हाथ में तलवार होती है और जब फाइटिंग नहीं होती तो इनकी निगाहें कत्ल करती हैं, वो तलवार का काम करती है। ओहो। बहुत अच्छी फिल्म बनी है पूनम जी के साथ, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम एज लीड आप इसमें हम साथ में है ना। काट के रख दे, शायद आप भूल रहे हैं। हाँ, जिसमें मैंने आपको बहुत जोर का तमाचा मारा था। हाँ, एक फिल्म हमने की थी काट के रख दे और उसके बाद हमारी सेकंड मूवी है, हालांकि मैंने बोला है कि हम साथ में कई फिल्में कर चुके हैं, ये फिर भी झूठ बोल रहे हैं। अभी हमारी लेटेस्ट रंगीला रिलीज हुई थी। हाँ, जिसमें मैं इनको गाली देती हूँ। बहुत कम सीन्स हमारे होते हैं हमारे हिस्से में आमने सामने, ऑलमोस्ट हमारे जब सीन होते हैं तब मैं इनको या तो गाली देती हूँ। हाँ, तो मतलब उसी तरीके से मारपीट वाले सीन्स होते हैं, कत्ल करते हैं, तो बहुत कम सीन होते हैं पूनम जी के साथ। लेकिन जो दो तीन फिल्में की हैं हमने वो बहुत यादगार है और हम सबकी दुआएं इस फिल्म के लिए है। बड़ी खूबसूरत बनारस की खूबसूरती को बड़ी खूबसूरती से शूट किया गया है और बनारस की खूबसूरती में पूनम जी की खूबसूरती मतलब माशाल्लाह चार चांद लगाती है। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि ऑडियंस को भी फिल्म बहुत अच्छी लगेगी पूनम जी, और हम आगे भी यूं ही काम करते रहेंगे। आज एक चीज़ तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं आपको खूंखार नहीं बोलूँगी। जो इंसान इतनी तारीफ कर रहा है, गार्डन गार्डन हो गया, अभी नहीं बोलूंगी। हमारा स्टाइल है, शुरू में हम तारीफ ही करते हैं, बाद में खतरनाक, बाद में खतरनाक हो जाते हैं हम। वो है ना, बकरा हलाल करने से पहले बहुत सारी तो खातिरदारी करनी पड़ती है इसलिए। और अभी आमने सामने हम उस तरीके से किसी फिल्म में आए नहीं कि मतलब चार पांच सीन हो, एक दो सीन के बाद ये निकल लेती है वहाँ से, तो मजा आएगा जब हम साथ में सीन करेंगे। और माशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ ऐसी फिल्म आने वाली है। मेरा हीरो मुझे बचा के ले जाता है, ये कुछ नहीं कर पाते। अब हीरो को बचने दूंगा नहीं मैं अगली फिल्म में। चलिए बाय। थैंक यू सो मच संजय पांडे जी।